हे गाइस गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं? सर्दी का महीना चल रहा है अभी, मतलब जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ना, तूफान, अभी सब दिक्कतें होते ही रहते हैं और अच्छी तरह से अभी सर्दी भी नहीं लग रही है। हमारे उड़ीसा पर जो जगह है, जैसे कि देखिए कंधमाल, दारिंगबाड़ी, फुलबाड़ी, ऐसे जगह जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सर्दी लगती है, ठीक है। पर देख लीजिए शहर को, शहर में इतना ज़्यादा ठंड नहीं होता है, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, गर्मी ज़्यादा लग रही है। हमारे हाथों में क्या है बताइए दोस्तों, ये बाहर का नज़ारा है और ये एक तालाब है जो अभी जो एक महीने पहले बहुत ही जोरों से बारिश हो गई थी और ये पूरी की पूरी भर गई है बारिश के वजह से ये तालाब। आगे भी थोड़ा सा देखते हैं, सुबह सुबह सूरज मामा उठ गए हैं, वो शौचालय है, वो वाला शौचालय उड़िया में लिखा गया है, तो यहाँ पे लोग नहाते हैं। ये छोटा सा स्कूल है छोटे बच्चों के लिए जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ये वाला स्कूल है। स्कूल का नाम है शिवानंद शिशु विद्या मंदिर है, जो हमारे घर के थोड़े से आगे में है। ये वाला जो आपको ब्रिज दिख रहा है ना, इस ब्रिज का नाम है कमापुली ओवर ब्रिज, ठीक है। और ये वहाँ पे कमापुली है और ये इधर से लांजीपुली स्टार्ट हो जाता है, उधर से आओ तो ये नेशनल हाईवे से ऊपर और उधर से कमावाली से उधर ऊपर। मैं इसके इस ब्रिज के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों, वो अगली नेक्स्ट व्लॉग पर अपलोड करूंगा। दोस्तों ये वाली जो दीवार है ना, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला जो दीवार है, ये जेल है, ठीक है, ये जेल है। मैं आगे तक भी थोड़ा सा वीडियो कर पाऊंगा, उससे आगे नहीं कर पाऊंगा, ये क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एरिया है, यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाने के लिए वीडियो कर रहा हूँ। तो गाइस मैं अभी और एक जगह पर पहुँच गया हूँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जेल का दीवार है, वहाँ पे आ गया हूँ थोड़ा सा आगे। और ये जो ये टावर दिख रहा है ना, ये वाला टावर दिख रहा है ना, यहाँ पे वो पुलिस वाले पहरादारी करते हैं और यहाँ पे जो है फुटबॉल खेलते हैं, मतलब उसको क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, वो खेलते हैं ना हाथ में ऐसे उछल के, वो वाला गेम यहाँ पे खेलते हैं। और ये यहाँ से ये ट्रेन ट्रैक है, मतलब उधर इधर से ट्रेन अलग अलग जगह अलग अलग, ये वाला ट्रेन है। ये हमारे उड़ीसा का जो कटक कहते हैं, कटक भुवनेश्वर, वहाँ पे ये ट्रेन जाता है और ये एक नया वाला ट्रेन है, ठीक है, ये नया वाला ट्रेन है हमारे उड़ीसा पर, हमारे शहर पर चलने वाला ये पहला ट्रेन है इस तरह, मतलब ये जो दिख रहा है ये नया वाला स्टाइल का ट्रेन है। दोस्तों मैं अभी वहाँ पर था, सीधा आया, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मैंने किया, आपको ट्रेन दिखाया, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी पहले यहाँ पे एक रास्ता था, ठीक है, यहाँ से अभी भी थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है ना ये वाला, यहाँ से, ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रास्ता था पहले, अभी क्या हुआ कि इसको बंद कर दिया गया है। इसका हाल क्या हुआ है, अभी यहाँ पे चलना थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जानवर हो सकता है, सांप बिच्छू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे यार। वो वाला जो दीवार आपको दिख रहा है ना, ये जेल का है, ये जेल का सबसे बड़ा दीवार है इसके, मतलब वहाँ से मैंने तो कभी नहीं देखा, वो कैदी जो होते हैं ना, वो कैदी उसके अंदर रहते हैं ये। क्या हाल हो गया है, अभी ये रास्ता बंद हो गया है
तो यहाँ पे और भी ज़्यादा पेड़ उड़ चुके हैं। देखिए ये वाला जगह ही नहीं है। तो गाइस हम उस मतलब उस जो उस छोर तक मतलब नहीं जा सकते हैं, ठीक है, अभी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, तो हमें हम लोग आगे नहीं जा सकते। अब देखिए इतना बड़ा मतलब यहाँ पे है, ये एक छोटा सा मिनी जंगल हो जाता है इसे सब मिलकर। वहाँ वहाँ वो भी एक जंगल ही है, लेकिन वो वहाँ पे सब सरकारी क्वार्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जल रह गया और यहाँ से वहाँ तक एक छोटा सा मिनी जंगल हो जाता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आपको कौन सा जगह सबसे अच्छा लगा, पसंद आया, ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब शेयर कर दीजिए अपने घर वालों को, दोस्तों के साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आगे भी वीडियो ऐसे ही बना सके, हमें मोटिवेट हो, ठीक है। दोस्तों अगली वीडियो हम बहुत ही जल्दी लाने वाले हैं। मैं कोशिश अभी कर रहा हूँ कि और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, मतलब हर दिन एक वीडियो बनाऊँ, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा, वीडियो करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।